गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल साइकिलिंग बीच पे। सुबह के अभी 6 बजे का टाइम है। अभी अभी मैं सो के उठा हूँ और उठाने वाले अपने ये भाई हैं। कल रात आपको अंधेरे में ठीक से दिखे नहीं होंगे, ये शुभम। हेलो शुभम, जल्दी जल्दी क्यों उठे आज? हम जा रहे हैं यहाँ से काजा लोसर या काजा की ओर आज हाँ, क्योंकि नेटवर्क नहीं होता, कोई कॉल करना होता है तो आपको जाना पड़ता है लोसर। नहीं है। और जाओगे कैसे? अभी शायद हम अभी तो वैसे वॉक करके जाएंगे, ऐसे ट्रैक करके जाएंगे। ये सामने वाला पहाड़ दिख रहा है कुंडम टॉप होते हुए, मतलब ये चढ़ाई चढ़ोगे ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर जाओगे जैसे जाएंगे? अच्छा, यहाँ से ऊपर चढ़ोगे फिर दूसरी तरफ उतरोगे, कुंजुम टॉप पहुँच जाओगे। लाइफ देख रहे हो चंद्रताल में किस तरह की है, नो नेटवर्क, कॉल भी करना है तो वहाँ जाना पड़ता है। सो जगह दिखाता हूँ आपको, ये इनके पास टेंट्स हैं बहुत सारे और बड़ा ओपन स्पेस है, काफ़ी सारा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप सामने देखो। और वो शुभम का है वहाँ पर, है ना? एस्केप इन हिमालयाज। एस्केप इन हिमालयाज, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे उसका, एस्केप इन हिमालयाज। भाई साल स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर आया, फर्स्ट ईयर है आपने नया बनाया। मैं और मेरे कजन्स है, हम सब चंडीगढ़ में स्टडी हुई हमारी सबकी, बस उसके बाद डीएवी सेक्टर 11 आपने बताया था, सेक्टर 10 से, सेक्टर 10 वाला। यस, कल रात हम बात कर रहे थे एक समुद्री टापू की, दो नदियों के बीच में है, राइट? और इसको ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ पे तो वहाँ नजर आ जाएगा। 2.5 घंटे यानी 5 किलोमीटर का ट्रैक करके वहाँ पहुँचा जाता है, शानदार जगह है। पिछले एपिसोड में मैंने उसको भी कवर किया, वो भी आप देखना, जो लोकल आप हिमाचल में देखते हो। तो वही ट्रॉली के थ्रू ये जा रहे थे और कहानी ये है कि वो जो मनु भाई बैठे हैं ना, जब उनके आने की बारी आई और जब रस्सी खींच रहे थे तो ये रस्सी टूट गई थी, है ना शुभम? तो फिर ये वहीं फंस रहे, अगले दिन आए वापस। अगले दिन वापस आए आप? अभी भी ग्लेशियर है वहाँ पे, ब्लैक ब्लैक आइस वाला। अच्छा, उसके बाद फिर व्हाइट आएगा, उसके बाद झील आएगी चंद्रताल से भी। ये जो एरियाज है ना भैया, ये सारे 4000 से ऊपर ऊपर के हाइट पे है। We had a cup of tea before saying goodbye to Manu bhai and Shubham. Thank you, Manu bhai. Thank you. ये निकले मनु भाई, आप भी लोसर जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो टाइम आ गया भाई कहने का, चलो भाई मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, सेफ जर्नी। ठीक है मनु भाई, सेफ जर्नी, आराम से जाना, आपको तो टेंशन नहीं है, आराम से बैठो। चलो अब ये इस पहाड़ को चढ़ के ऊपर उतरने वाले सामने, चलो बाय बाय। तो अब सुबह के 8 बज गए, नाश्ता वगैरह करता हूँ एक बार जा करके, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद आज का सफ़र शुरू करता हूँ। चाचा चाची ढाबा पहुँचता हूँ, अगर टाइम हुआ तो आगे बढ़ूँगा, नहीं तो रात को वहाँ स्टे कर लूँगा। बिफोर लिविंग आई गॉट अ चांस टू हियर कुलदीप जी प्लेइंग फ्लूट इन द मॉर्निंग। At the campsite with them, it was the time to say them goodbye and start my journey. आपको bye bye कहने आया भाई? Pay करना है मैंने आपको? नहीं sir, thank you so much. अरे यार, so kind of you. अरे सब सही है, फिर से पक्का मिलेंगे. Thank you. Okay sir. अच्छा लगा मिलके आपसे भी. ठीक है. चल ठीक है सुमित, मिलेंगे. Okay. ठीक है जी, thank you भाई साहब. Okay sir. याद रखूँगा भाई जी सबको. मिलेंगे, बाय बाय। सुबह के 10:30 बजे हैं, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से
ये सैमसंग कैंप साइट है, इनके साथ रह के और जो बाकी टेंट के लोग इनके पास आए थे उनकी जो आपस में बातचीत हो रही थी उससे समझ जो पाया कि काफ़ी बड़ा लॉस मेकिंग सीजन ये रहा है और लॉस को पूरा करना और फिर प्रॉफिटेबल होना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाएगा। तो ये सीजन तो ख़राब है, आगे पता नहीं क्या होगा। शुभम का तो अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ, पहला कस्टमर भी नहीं। लोकेशन देखो इस कैंप साइट की, बड़ी मस्त है, शानदार। अब बाइक लेके अंदर तक यहाँ पे लाके पार्क कर सकते हो गाड़ी भी और बाइक भी। ये कैंप साइट है शुभम की, एस्केप इन हिमालयाज के नाम से है। नए नए टेंट है, एकदम क्लीन, कंसीडर करिएगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि एकदम रोड के ऊपर है, गाड़ी पार्क करो यहाँ पे आके रुक जाओ, सब एक साथ हो जाता है। छोटा है कैंप साइट चार टेंट के साथ, पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है यहाँ पे। देखिए कैसा रास्ता है जो चंद्रताल तक जाता है, कैंप साइट तक जाता है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, पूरा रास्ता बंद था, उसके बाद इसे फिर से खोला गया है। सून आफ्टर स्टार्टिंग माई वर्क, अ लोनली गोट रोड साइड ग्रैब माई अटेंशन। ये एक छोटी सी बकरी है बेचारी, लगता है अपने ग्रुप से बिछड़ गई है, यहाँ बैठी है छिप करके, कोई आसपास चरवाहा नहीं है। परेशान मत हो, ढूंढ लेगा कोई तुम्हें, ओके? ये रोड अब सेफ नहीं है दोस्तों किसी भी तरह से। जगह जगह देखो किस तरह से ढलान है, जरा सा जोर पड़ेगा आएगा तो ये टूट जाएगी। अब यहाँ देखो किस तरह से तरेड़ पड़ गई है, रिस्की सा रूट है और बहुत छोटा है, एकदम नैरो है। आप देखो यहाँ पे तो एक ही गाड़ी निकल सकती है, एक बाइक निकल सकती है। पानी रास्ते के ऊपर से होकर के बह रहा है, पैदल आदमी साइड से निकल जाएगा। तो ये है वो वाटरफॉल, चढ़ाई चढ़ाई है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। इन कैंप साइट का और इस रोड का ये आखिरी व्यू है। इस रास्ते को पार करते ही मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच रहा हूं। तो सड़क आप देख ही रहे हैं कैसी है और नज़ारे भी। खबर मिली है कि रास्ता खुल गया है और कुछ गाड़ियाँ आनी जानी शुरू हो गई हैं, अभी तक टोटल बंद था। इट्स अ गुड साइन, तो मैं अब निकल जाऊँगा बिना किसी टेंशन के। एक गाड़ी है जो ये देखो आ रही है, इतने दिन बाद कोई व्हीकल दिखा मेरे को चलता हुआ। मैं पहुंच गया हूं यहां पर, इस जगह का नाम है चंद्रताल वाटर क्रॉसिंग, ये इसी नाम से गूगल पे लिस्टेड है। पानी का रंग देखो एकदम सफ़ेद है, पीछे जो पानी बह के जा रहा है उसका रंग भी एकदम सफ़ेद दूध जैसा दिखेगा। ऐसा तब होता है जब पानी में ठंडक ज़्यादा होती है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि मैं इसे क्रॉस कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा। ये वाला तो हो जाएगा, आगे वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी मुझे, किनारे किनारे निकलूंगा तो भी पॉसिबल नहीं है। आप ये देखो, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, चेक करता हूँ क्या सीन है। As soon as I started crossing it, I saw two big stones must have been put there by somebody. Only problem was those stones were not stable enough, so I had to fix one of the stone. And only then I could make it possible to cross it. There was a second part of the same stream which I still have to cross. Without such a heavy backpack it would have been very easy, but because I have almost 22 to 24 kgs on my shoulders, so this small jump came out like a very difficult one for me,
because I'm carrying a walking stick, so it was comparatively easy if I'm not having it. So this is how I managed to cross this water stream. Somehow I managed to cross this water crossing without getting my shoes wet in the water. I was so happy after crossing this water stream, that's too, without getting much wet. I refilled my water bottle and started the walk again. After a little more walk, I have arrived to a point where National Highway 5 connects to this road coming from Chandratal. लीजिए आपके सामने नेशनल हाईवे 505 पे मैं कनेक्ट हो गया हूँ. ये आ रहा है काजा की तरफ से. रोड की हालत आप देख सकते हो कैसी है. इसको कहा जाता है चंद्रताल एंट्री गेट. 13 किलोमीटर हो चुका है. बीआरओ का बोर्ड है देखो, देसी सा बोर्ड. बहुत बुरा हाल है बीआरओ यहाँ. बहुत कमज़ोर और वीक लगती है. नॉट लाइक क्या बोलते हैं उसको, हमारा मनाली ले जैसी नहीं है. यहाँ बहुत कुछ ख़राब है. After walking few kilometers, you will reach at these loops. You have to walk and cross them. There will be no shortcut available for person like me. I found a water source. I refilled my water bottle after drinking one of it, and also cleaned my face, which was making me feel dirty because of walking on this dusty road. आप सबको मैं national highway का हाल दिखा देना चाहता हूँ. ये हमारा national highway 505 है जो आप देख रहे हो. वो पुल भी हाल देखो आप. कितने दिन टिकेगा क्या है कुछ नहीं पता. ये एक वाटर स्ट्रीम है जो ऊपर पहाड़ से बह करके आ रही है. पता नहीं कितने किलोमीटर दूर हूँ मैं चाचा चाची ढाबे से, पर वहीं जाके कुछ खाऊंगा. थोड़ा भूख लगाई है. गेट दीज माउंटेन्स, दे आर सो ब्यूटीफुल. आई एम टेकिंग अ ब्रेक. आई एम स्टैंडिंग हियर वॉकिंग, स्ट्रेचिंग माई बॉडी एंड एंजॉयिंग दीज ब्यूटीफुल व्यूज अराउंड. आई नो दैट माई स्टॉप पॉइंट फॉर द डे इज़ नॉट रियली वेरी फार. So I'm very much relaxed. I'm not stressed out. दुआ करो कि पुल पार करने के बाद जो चाचा चाची ढाबा है वो खुला हो. उसी की उम्मीद में मैं चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ. सोचता हूँ खाने को कुछ मिल जाएगा. नहीं वहाँ मिले तो भाई खाना नहीं मिलेगा. फिर लगता खुद ही मैगी बना के खानी होगी. जैसे YouTube वीडियो पे देखा है सिर्फ चाचा चाची ढाबा, पर यहाँ तो बारात है पूरी. इतने सारे चाचा चाची ढाबा तो नहीं हो सकते यार. कितनी बिल्डिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. With so many confusion in mind and thinking how will I identify the original Chacha Chachi Dhaba, I kept walking on this wooden made temporary looking bridge. The experience of walking on this bridge was really nice and amazing. As soon as you cross the bridge, you will see a different world altogether. So, full par kar liya maine. Thoda aage badha. बोर्ड लगा हुआ दिखाया, लिखा है चाचा चाची चंद्रा ढाबा, पर है कौन सा. हाँ ये हरा सा दिख रहा है, यही है सबसे पहले वाला जो हरा सा है यही है. नमस्ते जी. नमस्ते, कैसे हैं. अकेला पैदल. नमस्ते जी, ठीक हैं आप. हाँ मैं ठीक. खाना खा लो पहले. हाँ पहले खाना खाऊँ. हाँ जी. मैं चंडीगढ़ से. हाँ आज मैं पहुँच ही गया यहाँ पे. खुशी हो रही है. हरी मिर्च है तो दे दो. नहीं फिर दूसरा भुना हुआ. हाँ वो तो पसंद है मुझे, वो तो बहुत ज़रूरी है. दाल चावल खाया जा रहा है. 2:30 बजे परफेक्ट लंच टाइम है ये. फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया. जब से निकला हूँ यात्रा पे आज जाके ठंडा खाना मिला. नहीं, आपने कहाँ से आया. मैं करछम से पैदल चलना शुरू किया मैंने. अच्छा आज कहाँ से. आज मैं चंद्रताल से. हाँ उधर तक. आज हाई सिटी कहाँ है. अभी सोच रहा हूँ, देखता हूँ कितना आगे तक जाया जाएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ तक पहुँच सकता हूँ. रोड खुला है ना. हाँ आज एक दिन ही आ रहा है. अच्छा पहले मैं बाहर धूप में बैठ के खा रहा था.
जब सेकंड राउंड ऑफ फ्राइज हुआ ये कुछ ज़्यादा ही ले लिया मैंने वैसे, तो फिर मैं अंदर आके बैठ खाने लगा हूँ। अभी देखना है क्या करना है, प्लान कैसे है, और यहाँ की पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार चाचरी से मिलवाते भी हैं आपको। So as I told, I always wanted to be here, and finally this is the day when I'm here. This is not only a dhaba, this has been a rescue center for lots of tourists who were fighting between life and death because they were stuck here for almost 10 to 50 to 56 days. And this was the only shelter they had. They were eating, they were sleeping here at this place only. I also became one of them. I sat in the sunlight. I was talking to them, sharing my stories, and they were sharing their stories with me. This is how this day came to an end. Initially, I was not sure because it was 2:30 when I arrived. So I was thinking that whether I will stay here or I will travel to the next location. But finally, I gave up my idea of going ahead and I decided to stay here tonight. Finally. कहानी बताता हूँ, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं अभी भी यहीं पर हूँ चाचा चाची ढाबा। चाचा जी से और उनके परिवार से बातें करते करते मुझे लगा ही नहीं कि जाना चाहिए, बिकॉज ये खुद में एक लैंडमार्क है। अगर आप स्पीति का कर रहे हो, इस तरह से ट्रैक कर आए हो, तो चाचा चाची ढाबे पे रुकना बेस्ट एक्सपीरियंस है एंड वेरी फ्रेंडली। और आज हम लोगों के पास टाइम भी बहुत है ना, यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास करने को है नहीं, ना उनके पास ना मेरे पास। तो मैं 2:30 बजे आया था, मैंने खाना खाया, फिर बैठा रहा, बातें करता रहा, 5 बजे चाय पी, तब से मैं यहीं पर हूँ। जगह पे मैं अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने अपना सामान रख दिया है और मुझे लग रहा है यहीं कोने वाला बेड लेके सो जाऊँगा मैं। आज का जो डे 43 है लाहौल स्पीति बाय वॉक ट्रिप का, मुझे लग रहा है उसको एंड करने का वक्त आ गया है। आज एक और गड़बड़ हुई है। इनफैक्ट कल रात जो मैंने खाया था वहाँ पर खाना, उसके बाद हो गया था मेरा पेट खराब। तो 4-5 बार मैं जा चुका हूँ वॉशरूम और अभी भी लगता है कि गड़बड़ चल ही रही है, तो ये भी एक वजह थी यहाँ रुकने के पीछे। अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये, पसंद आ रहा है यहाँ पे रुकना, बातें करना, नई चीज़ें सुनने को सीखने को मिल रही है। अभी इस एपिसोड में वो सब चीज़ें देखोगे, अभी कुछ और बाकी है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। पर अभी मैं यहाँ अंदर आके बैठ गया हूँ, सामान अंदर रख लिया और ये कन्फर्म है कि आज रात मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। कल का सफ़र यहाँ से शुरू करेंगे, करीब 18-19 किलोमीटर के आसपास होगा। शाम के टाइम पे रेडियो ऑन हुई है, ये रोज आप इसी टाइम रेडियो चलाते हैं? खबर आता है इसलिए। आज के मुख्य समाचार।